नफा नहीं दे सकता। हाँ नफा नहीं दे सकता, कहते हैं लोग नफा। भाई मैं एक गुजारिश करूंगा, इन तमाम मसलकों से ऊंचा होकर खुदा के लिए अहले सुन्नत मुझ पर नाराज ना हो, क्यों अगर मैं आपसे या बरेलियों से निकल कर बात नहीं करूंगा तो देवबंदी और दूसरे लोग कहेंगे कि ये अपनों की जानबदारी कर रहा है। मैं आजाद हूं, मैं सिर्फ कलमा गो हूं, कुरान पढ़ने वाला हूं, कमली वाले पर ईमान रखने वाला हूं, उसके गुंबद खजरा को देखने वाला हूं, जानियों के सामने खड़े होकर सलाम पेश करने वाला हूं। तो मैं आज कर रहा हूं कि मैं सिर्फ, मेरा ये तरीका है बस, तमाम मसलकों से ऊंचा होकर मैं आज कर रहा हूं। सब सुने, बरेलवी भी सुने, अहले सुन्नत भी सुने, देवबंदी भी सुने, वहाबी भी सुने और गैर मुकल्लिफ भी सुने, तबलीगी जमात वाले भी सुने, ठंडे दिल से सुने। नबी नफा दे सकता है या नहीं, इसका जवाब मैं पेश कर रहा हूं। आप बताएं कि अल्लाह पर अगर आप ईमान रखें, रसूलुल्लाह पर ईमान न लाएं, क्या आपकी रिसालत को न माने तो आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? बोले आप खुद अल्लाह की तौहीद बयान करें, डट कर बयान करें, 24 घंटे बयान करें जी, लेकिन कमली वाले को न माने, ईमान न लाए। चलो मोहब्बत की बात तो मन, वो तो खास लोगों की बात है ना, वो तो सच्चे गुलामों की बातें हैं ना, सिर्फ ईमान न लाएं, तो हीट का रट्टा लगाए, गर्दान करते रहें, वो शख्स जहन्नम में जाएगा या जन्नत में? बोले जहन्नम में। सब कहेंगे, जो अगर ये कहे कि नहीं वो जन्नत में जाएगा, वो मेरे पते पर मुझे खत लिखे, अपना एड्रेस भी लिखे। साबित हुआ कि वो ऐसा शख्स कभी जन्नती नहीं हो सकता। तो नबी ने नुकसान पहुंचाया कि नहीं? नबी की वजह से नुकसान पहुंचा कि नहीं? नबी नुकसान, नबी ने नुकसान दिया कि नहीं दिया? और अगर नबी पर ईमान ले आया, नबी की मोहब्बत की, नबी की इताअत की, नबी का इत्तेबा किया, तो ऐसा शख्स हमारा यकीन, बल्कि हमारा अकीदा क्या है कि ऐसा शख्स जन्नत में जाएगा, जहन्नम में नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा शख्स कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। तो मतलब यह हुआ कि इस नबी के इत्तेबा ने नफा दिया कि नहीं दिया? कि नहीं। फिर कौन बेवकूफ कहता है कि नबी ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है? दिमाग खराब है? होश करो, किस पर बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? ये तो बच्चा भी समझ गया है, छोटा बच्चा जो भी स्कूल में पढ़ रहा है, वो बड़ा होगा तो इस नसीरुद्दीन की बात को वो याद करेगा कि मैं छोटा सा था, गोड़ने शरीफ का एक आदमी आया था जो मेहर अली के खानदान का बतलाता था, उसने ये बात बयान की।